हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोग बताऊंगी कि आप किस तरीके से ओपन पोर की प्रॉब्लम को कम कर सकते हो। नेचुरल रेमेडी है। जी हाँ, आज मैं जो आप लोगों के साथ जो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल नेचुरल है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। जी हाँ, क्योंकि मेरे जो स्किन है वो कॉम्बिनेशन स्किन है एंड आप सब जानते हैं कि ओपन पोर्स की जो प्रॉब्लम होती है वो कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन वालों को ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे फेस से हर वक्त या बोलो हमारे जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे फेस पे एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस होता है। और कॉम्बिनेशन स्किन वालों की, जैसे ऑयली स्किन वालों की, तो पूरा फेस ऑयली होता है, लेकिन जो हमारे स्किन टाइप होती है उसका जो टी जोन एरिया होता है वो ऑयली होता है, तो हमारे नोज़ हैं चीक्स उस एरिया पे ज़्यादा ऑयल होता है, तो वहाँ पे हम लोग हमारे जो होते हैं पोर्स होते हैं ओपन पोर की प्रॉब्लम होती है। तो ये बात हो गई ओपन पोर की। अब बात करूँ ओपन पोर्स होते क्यों हैं, तो जैसे मैंने बताया तो कुछ और भी फैक्टर होते हैं ओपन पोर्स होने के। तो सबसे बड़ा जैसे होता है कि स्किन केयर रूटीन, जी हाँ, हम अपने स्किन की अच्छे से केयर नहीं करते, उस वजह से भी होता है। सबसे उस दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो है मेकअप। जी हाँ, हम अक्सर मेकअप करके सो जाते हैं, मेकअप रिमूव नहीं करते, तो वो भी हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। और तीसरा जिसे बोलूँगी वो होता है सन एक्सपोजर, मतलब हम क्या करते हैं सनस्क्रीन लोशन यूज़ नहीं करते, तो मतलब बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से भी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है। और अगर मैं आपको एक इसके साथ ही मैं आपको कुछ टिप्स भी देना चाहूँगी, अगर आप उसे ये फॉलो करते हो तो आपकी जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है बहुत हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि मैं इसे यूज़ करती हूँ तो मैं आपको ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फेस को डीप क्लिनजिंग करनी है। हफ्ते में एक बार डीप क्लिनजिंग ज़रूर करें और रेगुलर बेसिस पे दिन भर में दो बार कम से कम क्लिनजिंग ज़रूर करें। टोनिंग तो आपको बिल्कुल करनी है, वो तो बिल्कुल भी ऑप्शनल नहीं है। क्लिनजिंग आपको टोनिंग करनी है। स्क्रबिंग, जी हाँ, स्क्रबिंग आपको हफ्ते में 2 से 3 बार करनी है, माइल्ड स्क्रबिंग करनी है। और हाँ, अगर आप ये चौथी टिप जो मैं आपको बता रही हूँ अगर आप इसे यूज़ करते हो तो आपकी जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, अगर आप इसे एक बार यूज़ करते हो तो आपको इंस्टेंट आपको इफेक्ट नज़र आता है, वो है आइस क्यूब। जी हाँ, अगर आप अपने फेस को नॉर्मल पानी की जगह ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश करते हो या आइस क्यूब अगर आप यूज़ करते हो पोर्स पे, तो आप देखोगे कि आपको इसका इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा, मतलब आपके जो पोर्स हैं आपको इंस्टेंट आपको श्रिंक लगने लगेंगे। तो आइस क्यूब बहुत ज़्यादा काम करता है पोर्स पे। अगर आप इसे मेरे कहने पे से एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए और आप यूज़ देखेंगे कि आपको कितना अच्छा इसका रिजल्ट देखने मिलता है। तो ये कुछ टिप्स थे, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपका ये जो स्किन है बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, साथ में ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं बात करती हूँ आज की रेमेडी की जो मैं लेकर के आई हूँ। अगर आप अपने स्किन केयर रूटीन में इस रेमेडी या इस फेस मास्क को भी शामिल करते हो तो आपके जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। और मैं सच में बोलूँ तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, मुझे ये फेस मास्क बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगा, साथ में मेरे जो आपके स्किन थी पोर्स के साथ साथ मेरे जो फेस की डलनेस थी उसको भी रिमूव करके आपके स्किन पे बिल्कुल इंस्टेंट ग्लो ला करके देगा। तो दोस्तों, आप मेरे इस फेस मास्क को ज़रूर ट्राई करिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों, देखते हैं इस बढ़िया से फेस मास्क को मैं बनाने के। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक वाइट लेना है। जी हाँ, आपको इसका जो येलो पार्ट होता है वो नहीं लेना है, आपको सिर्फ सफ़ेद ही लेनी है। तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने एक अंडा इस्तेमाल किया है, आप इससे ज़्यादा एक या दो भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हम लेंगे ऑरेंज जूस, और तीसरी चीज़ जो लेनी है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो हम एक अलग बोल में एक अंडे की जरिए जो मैंने आपको दिखाया है वो हम इसमें लेंगे। दोस्तों, इसमें मैंने 2 चम्मच के करीब एक वाइट लिया है जैसे मैंने आपको दिखाया था उसमें से। अब हम इसमें जो चीज़ ऐड करेंगे दूसरी चीज़ वो है मुल्तानी मिट्टी। जी हाँ, इसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड करेंगे। मुल्तानी मिट्टी भी हम 1 चम्मच के करीब ऐड कर रहे हैं और इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, मैंने इसमें मुल्तानी मिट्टी जैसा आपको बताया मुल्तानी मिट्टी डाल के मैंने मुल्तानी मिट्टी भी मैंने 1 से 2 चम्मच के करीब डाली है क्योंकि मुझे गाढ़ा पेस्ट बनाना था। इसे मिक्स कर लिया है, आप चाहे इसे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब हम क्या ऐड करेंगे, हम तीसरी चीज़ इसमें ऐड करेंगे वो है ऑरेंज जूस। जी हाँ, ऑरेंज जूस हम इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा सा हमें ऐड करना है और इसे हम फिर से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा बढ़िया से पैक बन करके तैयार है। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर जैसा है इसका। और मैं आपको अब इसे अपने फेस पे लगा करके दिखाती हूँ। ये ना, क्योंकि इसमें मैंने अंडा डाला है, आप जानते हैं कि अंडा जो होता है वह पोर्स को श्रिंक करता है, साथ में आपके स्किन को टाइट भी करता है, तो ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। मुल्तानी मिट्टी आपके सारे ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगी और जो ऑरेंज जूस था वो ऑरेंज जूस आपके फेस को एक इंस्टेंट ग्लो ला करके देगा, साथ में जितने भी स्पॉट्स है उसको रिमूव करेगा। तो ये पैक ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। अब मैं आपको इसे अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाती हूँ।
तो दोस्तों मैंने जो आपको अपना फेस पैक बनाना बताया है उसे अब लगाने का तरीका बताती हूँ। तो सबसे पहले आपका अपना फेस जो है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई मेकअप लगा नहीं होना चाहिए। तो मेरे फेस पे फिलहाल कोई भी मेकअप नहीं है और अब आपको इस फेस पैक को लगाना है। लगाने से पहले मैं बता दूँ आपको इस फेस पैक को कम से कम 10 से 15 मिनटों के लिए लगाना है ताकि इस मिनट में पूरा आपका जो फेस पैक वो ड्राई हो जाए। उसके अब मैं आपको इसे लगा करके दिखाती हूँ, आप चाहे तो हाथ से भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें अंडा पड़ा हुआ है तो उसकी स्मेल आएगी, लेकिन आप जब इसमें ऑरेंज जूस डालोगे जो उसकी स्मेल है अंडे की बहुत हद तक कम हो जाएगी, तो आपको इतनी बुरी स्मेल भी नहीं लगेगी इसकी इस मास्क की। तो मेरा फेस जो पैक था वो ऑलमोस्ट लग गया है। अब देखिए दोस्तों फेस पैक हमारा पूरी तरीके से सूख चुका है, अब हम इसे ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और मैंने अभी तक कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाया है और आप देख सकते हैं मेरा चेहरा भी काफ़ी हद तक साफ भी लग रहा है क्योंकि मेरे फेस पे जितना भी एक्सेस ऑयल था वो रिमूव हो चुका है। साथ में मेरे जो पोर्स थे वो काफ़ी हद तक टाइट हो चुके हैं, मतलब श्रिंक हो गए हैं और सिर्फ एक बार के एप्लीकेशन से ही। जी हाँ, क्योंकि इसमें मुल्तानी मिट्टी थी और अंडा डाला था मैंने, तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इंस्टेंट हमारे पोर्स को टाइट कर देता है। और जैसे मैंने इसमें ऑरेंज जूस डाला था तो हमारे फेस पे इंस्टेंट ग्लो भी ला करके देता है। तो ओवरऑल जो ये मैं फेस मास्क था बहुत ही अच्छा है हमारे स्किन के लिए। अगर आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार भी अप्लाई करते हो तो आपका जो पोर्स है बहुत हद तक आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जी हाँ, मेरा आज का वीडियो, ये मेरी रेमेडी थी आज की। अगर आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी। मैं मिलती हूँ हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।